कोरोना संक्रमण के संकट के दौर में भले ही बाबा महाकाल के प्रवेश बंद हो गए हों, परंतु अब भी गरीब बेसहारा लोगों के लिए बाबा महाकाल ही सहारा बने हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की भोजनशाला में प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा है और बना हुआ भोजन का पैकेट हर गरीब बस्ती व सड़क पर रह रहे बेसहारे लोगों के लिए दिया जा रहा है। भोजन बनाने का यह काम महाकाल मंदिर समिति के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। अभी वर्तमान में करीब 2 से 3 हज़ार पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इसमें पूड़ी, सब्जी, अचार व लड्डू के रूप में बाबा महाकाल का प्रसाद रखा जा रहा है। आवश्यकता होने पर पैकेट की संख्या बढ़ाकर 4 हज़ार कर दी जाती है। भोजन तैयार करने के लिए सामग्री महाकाल मंदिर समिति तो देती ही है, साथ ही मंदिर के पंडित पुजारी व सामाजिक संस्थाएँ भी अपना योगदान दे रही हैं। तैयार भोजन को बंटवाने का काम सामाजिक संस्थाओं द्वारा करवाया जा रहा है। संस्था के सदस्य महाकाल मंदिर अन्य क्षेत्र पहुंचते हैं, जहां से यह भोजन के पैकेट लेकर गरीब बस्ती व सड़क पर रह रहे भिक्षुकों को देने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उच्च। देखिए, परंपरा के हिसाब से हम जैसे निःशुल्क अन्य क्षेत्र चलता है हमारा, और अभी इस समय मंदिर में दर्शनार्थी नहीं आ रहे हैं, तो मंदिर में ये मैक्सिमम प्रयास किया जा रहा है कि हमारे अन्य क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, जिनको खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, अनजान लोग आ गए हैं, उसके लिए 2,000-2,500 पैकेट पर डे बना के हम दे रहे हैं अन्य क्षेत्र से। देखिए, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं और प्रशासन द्वारा हमें बताया गया है कि जो जो अधिकृत संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम बंटवाएं। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जैसे 5-6 पूड़ी है, थोड़ा सा अचार है, इस तरह से कंप्लीट फूड देते हैं, और उपलब्ध होने पे हम हमारे प्रसाद का भी एक लड्डू रखते हैं, जिससे कि सभी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। और ये पैकेट्स की संख्या करीब 3-3,500 तक भी चली जाती है, जैसा हमें निर्देशित किया जाता है और आवश्यकता मिलती है। इसमें बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी हमें मदद कर रही है। कुछ समय हमने 4-4,000 पैकेट भी आपूर्ति की, सप्लाई की हुई है, सभी का सहयोग है इसमें, धन्यवाद। अभी जो आपदा पूरे विश्व में आई है, इस वजह से उज्जैन में जितने भी बेसहारा परिवार हैं, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति जो है उनके बेसहाराओं के लिए भोजन की व्यवस्था मंदिर समिति अन्य क्षेत्र से निःशुल्क चल रहा है, और इसी अन्य क्षेत्र में सहयोग के लिए महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति जो है पंडा समिति में, उसमें भी आज जो है सहयोग किया है। 31 तेल के डब्बे और 1 क्विंटल अचार आज मंदिर समिति को, प्रावन समिति को दिया है, और आगे भी आवश्यकता पड़ने पर पुरोहित समिति हमेशा तत्पर है सहयोग करने के लिए। और इस प्राकृतिक बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि ये आपदा जल्दी से इस आपदा का निवारण हो और पूरे विश्व में शांति प्रदान हो। पंडित लोकेंद्र व्यास, सचिव हूँ श्री महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति। मैं RK गुप्ता, यहाँ जोनल मैनेजर हूँ उज्जैन जोन में। यहाँ हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारी बैंक का प्रेजेंस है। हमें ये बड़ी खुशी की बात है कि महाकाल मंदिर में डेली 2,000 से लेके 4,000 तक पैकेट्स अन्य क्षेत्र द्वारा गरीबों के, निर्धन व्यक्तियों को बंटवाए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में हमारी बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि एक दिन का हम लोग पूरा जो भी खर्च आता है इसमें, जितने भी पैकेट्स हैं उससे संबंधित सामग्री जैसे आटा, तेल, चना, अचार, आमचूर, नमक, शुगर, ये हम पूरा एक दिन का खर्च हम लोग बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग डोनेट कर रहे हैं आज, ताकि इसमें जो भी हमारे निर्धन व्यक्ति हैं और
उनको जो भी हमसे हेल्प बन रही है, हम लोग बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज ये हम महाकाल के अन्य क्षेत्र को प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी श्री तिवारी साहब, आरके तिवारी जी हमारे भूतपूर्व स्टाफ सदस्य भी हैं, उनका भी हमें इसमें मार्गदर्शन मिला। हम इसके लिए बड़े आभारी हैं महाकाल मंदिर के प्रशासन के एवं कलेक्टर मिश्रा साहब के, कि उन्होंने हमें एक दिन का चांस दिया इस पुण्य कार्य में। हाँ, हमने दो दिन पहले भी हमने नागझिरी ब्रांच में जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो 500 रुपए सभी व्यक्तियों के खाते आए में डीबीटी पेमेंट के अंतर्गत भी हमने दो दिन पहले 100 पैकेट्स वहाँ, जिसमें 5 किलो आटा था, दाल, चावल, तेल, साबुन, शुगर, इसके हमने 100 पैकेट्स बनवा कर वहाँ गरीबों को प्रदान किए थे। और लोकल में भी 5-5 पैकेट पहुंचा दिए थे कि आप अपने हिसाब से, हमारी यहाँ 11 ब्रांचेस हैं लोकल में, कि आप अपने हिसाब से बंटवा दें।